नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube प्रयार पर। और कल जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान आलोक राज, वो जो है जो रिसफल परिणाम आएगा रीट का 2022 का, उसको लेके जो है कुछ साथी चयनित हैं, चयनित अध्यापक हैं, वो बाहर हो सकते हैं और उन्हीं को लेके जो है शेडो पोस्ट क्रिएट की जाए, वो प्रस्ताव लेके शिक्षा मंत्री के पास गए थे अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्रीमान यशस्वी शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन सिंह दिलाव, उनके सामने पक्ष रखा है कि आप शेडो पोस्ट जो है उसका प्रावधान हो सकता है तो प्रावधान किया जाए। उन्होंने ये भी बताया है कि निश्चित रूप से ही जो है चयनित जो साथी हैं वो बाहर हो सकते हैं होंगे, और जो कुछ साथी जो हैं अंदर भी जाएंगे डेफिनेटली, तो वो जो है उसके लिए उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर। आपको भी इस स्तर पर, अपने स्तर पर कोशिश करते रहना है जब तक शेडो पोस्ट क्रिएट नहीं होती है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ऐसा प्रावधान होता है तो सरकार जो है बिल्कुल उसको करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से जो है अध्यक्ष साहब ने प्रस्ताव रखा है और मुख्यमंत्री के सामने भी रखेंगे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबसे बढ़िया तो ये है कि वो गलती को स्वीकार करते हुए कि हाँ ठीक है, हमारे एक्सपर्ट कमेटी की वजह से ये है, इसमें जो चयनित अध्यापक हैं वेटिंग में हैं उनका कोई दोष नहीं है। तो इतना अध्यक्ष साहब अब इस पद पर होते हुए इतना कुछ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बढ़िया कार्य ये है ये। और उन्होंने ये भी बोला है लास्ट के अंदर कि जो तो अब कोशिश कर रहे हैं, बाकी होगा जो है ईश्वर जो चाहेगा वो होगा या फिर जो सरकार चाहेगी वो होगी। तो ईश्वर तो खैर चाहेगा चाहेगा, लेकिन उससे पहले जो है सरकार है उसके हाथ में है सब कुछ। तो मुख्यमंत्री तक उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी है, आप भी अपने स्तर पर बात पहुंचा सकते हो, पहुंचा दिए, MLA के थ्रू पहुँचा सकते हो, आप मेल भेज सकते हो या फिर आप जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ पर जाकर ज्ञापन दे सकते हो। तमाम वो चीज़ें होती है अपने स्तर पर आप करना है, वो तो कर ही कर रहे हैं, दूसरों के भरोसे पर बैठोगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोशिश जो है कम रह जाए, फिर बाद में लगे कि यार अपन थोड़ी कोशिश अपने स्तर पर और कर लेते तो हो। जो है अध्यक्ष साहब ने साफ साफ अपने संकेत दे दिए कि साहब बदलाव तो होगा इसके अंदर, और बदलाव जिस हिसाब से लग रहा है तो ज़्यादा बदलाव हो सकता है इसके अंदर वो है। बाकी जो है 15 अक्टूबर से आपको परिणाम आना स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले जो है आप ज्ञापन जितना दे सकते हो दे दीजिए। आज कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष जो हैं फिर आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, उनको भी इसके बारे में अवगत करवाएंगे कि शेडो पोस्ट आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि अगर शेडो पोस्ट थोड़ी बहुत होती है, अगर इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता तो जो है अधीनस्थ बोर्ड है वो अपने स्तर पर कर सकता था, लेकिन उनको लग रहा है कि ये अपने स्तर का लेवल नहीं है, अब कुछ ज़्यादा हेर फेर होने वाला है। तो उसी को लेके जो है अध्यक्ष साहब उनसे आप मिल रहे हैं, उनसे आप मुलाकात करेंगे आज और करेंगे, और अगर खुद कोई अध्यक्ष है वहाँ पर जाके ये प्रस्ताव रखता है तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और आप भी अगर इस तरीके से अपने स्तर पर ये मेल पहुंचाते हो, वैसे तो देखो बातचीत वहाँ तक मैसेज पहुंच चुका है, लेकिन अगर बड़े लेवल पर ऐसे अधिकारी जाके बात करते हैं तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। अभी जो है माहौल भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा में चुनाव जीत चुके हैं, तो उसी खुशी खुशी के अंदर आपका जो है रिजल्ट आए उससे पहले ही आपके लिए शेडो पोस्ट क्रिएट का प्रावधान कर दे तो वो बढ़िया है। फिर बाद में जो है तनाव, जो अभी पिछले 1.5-2 महीने से वैसे भी आप जॉब कम कर रहे हो, टेंशन ज़्यादा है, तो उससे थोड़ी निजात आपको मिल सकती है। तो ये है, ठीक है साथियों, भाई अपने स्तर पर जो भी आप कार्य कर सकते हो वो करते रहो, मेल भेजना सोशल मीडिया पर है, अपने जो MLA है वहाँ पे ज्ञापन दे के आना, ना दो दो तीन तीन दे दो, कितने भी दे दो उसमें वो तो करते रहो, लेकिन जब तक ये नहीं होता है, बाकी उन्होंने संकेत दिए उस हिसाब से बदलाव कुछ ज़्यादा हो सकता है। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।